दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के दरसपोरा तुर्कवंगम गांव के निवासी पिछले दो वर्षों से अंधेरे में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। बिजली विभाग द्वारा दो साल पहले ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन लगाने के बावजूद शोपिया के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से उन्हें बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है, जो कि एक बुनियादी जरूरत है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले में उनकी शिकायत का निवारण करने और उन्हें बिजली उपलब्ध कराने की अपील की है। एबीटी न्यूज के लिए संवाददाता मीर सज्जाद की रिपोर्ट। लेकिन पावर कुछ नहीं, कोविड प्रॉब्लम, क्लासेस नहीं दे रहे क्योंकि पावर ही नहीं है, होता है चार्ज, फोन नहीं है, जब भी क्लास देते हैं तो वो फोन जो है बैठ जाता है और क्लास ठीक से नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ये कि पावर बासान शुपियन मे शेन कि बढ़ो अ गाम पावर लैस इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कि अस गई जुरी पन सोरे ये फोन बाकी ट्रांसफार्मर मगर पावर लेब निशान गई दौड़ दूर कर जुरी पे सुजारिश एस सी सोबस डी सी शुपियन कि सोन मसल गए जल्द।